तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेकी जींस में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 11 जून का करंट अफेयर। ठीक है, 11 जून का करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले एमए लिखा है, मयंक कुमार अग्रवाल गिवेन एडिशनल चार्ज ऑफ प्रसार भारती सीईओ। ठीक है, प्रसार भारती का सीईओ किनको बनाया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को किनको बनाया गया है? यही है, देख लीजिए, यही है मयंक कुमार अग्रवाल। ठीक है, ये इनको क्या क्या बनाया गया? प्रसार भारती का सीईओ बनाया गया है। और ये क्या है, 1989 बैच का आईआईएस ऑफिसर है। क्या है, 1989 बैच का आईआईएस ऑफिसर है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसार भारती जो है, तो प्रसार भारती क्या है? तो इंडियन इंडियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और उसका फाउंडर कब कब किया गया था? तो 30 23 नवंबर 1997 को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ईएक्स रजिस्ट्रार ऑफ एमएसयू एनजे ओझा अपॉइंटेड एज मनरेगा ऑम्बड्समैन, मतलब कि मनरेगा ऑम्बड्समैन के रूप में किसके किसे अपॉइंट किया गया है? तो ईएक्स रजिस्ट्रार ऑफ एमएसयू की ईएक्स रजिस्ट्रार, इनका नाम क्या है? एनजे ओझा। अब यहाँ पर एक बात देखा जाए कि ऑम्बड्समैन है जो, ऑम्बड्समैन का मतलब क्या आ गया? ऑम्बड्समैन के मतलब कि वैसा वैसा इंसान, वैसे वैसे पर्सन उन्हें कि जो जो यहाँ पे जो कटौती वगैरह होता है, जो होता है जो जो लोग मनरेगा, ठीक है, तो मनरेगा जो है, तो मनरेगा में कहीं ना कहीं धांधली वगैरह हो रहा है, उसको देख रेख करने के लिए, उसको उसको देखने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उसको हटाने के लिए, फिर जो भी ऐसा प्रोसेस करना जिनको हक दिया जाए कि नहीं आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर चेक कीजिए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कहाँ पे दिक्कतें हो रही है, मनरेगा का जो लाभ है आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सब कुछ चेक करने के लिए जो करते हैं, है उनका ना क्या, ऑम्बड्समैन। तो उन्हें की तो किन्हें बनाया गया है? तो एनजे ओझा को बनाया गया है। अब मनरेगा का फुल फॉर्म क्या हो गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, और ये क्या है, दो दो से 4 साल का टर्म है, 2 3 साल का, 2 2 साल का टर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मुखावली रिकॉग्नाइज एज ग्लोबल एसडीजी पॉइंटेड बाय यूएनजीसी, मतलब कि ग्लोबल ग्लोबल एस एस एसडीजी पॉइंटेड बनाया गया है किसके द्वारा? यूएनजीसी के द्वारा। किन्हें? तो रामकृष्ण मुखावली को। किनको? रामकृष्ण मुखावली को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूएनजीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, और एसडीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो पहले सबसे पहले बात, एसडीजी का मतलब क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह है। ठीक है, और यूएनजीसी का यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट, क्या है? यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये अगला देखते हैं। विच टीम हैज वॉन द इन आर्गुअल एवरेज हॉकी 5x चैंपियन एट लॉसन स्विट्जरलैंड, मतलब लॉसन स्विट्जरलैंड में कौन सा टीम एफआईएच हॉकी 5x का चैंपियन रहा? कौन सा टीम हॉकी वगैरह जीता है, कौन सा टीम हॉकी का चैंपियन रहा एफआईएच 5x का? ठीक है, तो कौन सा टीम है? हमारे इंडिया देश मतलब हमारे इंडिया का टीम है। कहाँ का टीम है? तो इंडिया का टीम है। ठीक है, और ये जो है किससे हराया? तो ये पोलैंड को हराया है 6-4 से। किसे हराया है? पोलैंड को जो हराया है 6-4 से। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो लॉसेनर स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, लॉसेनर स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब कुछ गेम्स वगैरह के बारे में बात हो रही थी, यहाँ गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स, कौन सा गेम्स? विंटर ओलंपिक गेम्स। तो ये कब कब होने वाला है? तो 2022 में होने वाला है। कहाँ पे? तो बेजिंग चाइना में। उसके बाद सेकंड वाले वाला 2026 में होगा मिलन। ठीक है, इटली में होगा मिलन, और या फिर कॉर्टिना इटली में होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो पाला हो जाएगा 2022 में। उसके बाद जो होगा वो कहाँ पे होगा? 2026 में होगा कहाँ पे होगा? कनाडा मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट में। 2022 वाला कतर में। ठीक है, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे? 2022 में होगा वो, कि जो कि इंग्लैंड में होगा। ठीक है,
अगला देखते हैं, तमिलनाडु लॉन्च लोगो एंड मैस्कोट ऑफ 44th चेस ओलंपिक। मतलब ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है, ठीक है, लोगो और मैस्कोट किसके लिए, 44th चेस ओलंपिक जो होगा उसके लिए इन्होंने लोगो लॉन्च किया है, ठीक है, और मैस्कोट ये जो मैस्कोट जो जो है क्या है? ये जो मैस्कोट जो है, तो मैस्कोट का नाम क्या रखा है, थम्बी। क्या नाम रखा है, थम्बी, जिनको जिसे धोती वगैरह, धोती और शर्ट पहना दिया गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके जो शर्ट 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 में लिखे शर्ट शर्ट में चेस बिलीव लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया इंडिया इज फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। मतलब कि पहला इंडिया का पहला स्पोर्ट मार्केटिंग बुक है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, जो बुक है उसका उसका ऑथर कौन है, उसका ऑथर कौन है, तो उसका ऑथर क्या है, विनीत कार्ने कार्ने विनीत कार्ने। और ये जो बुक है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट, मतलब IISM के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं कि ठीक है, हम IISM का डायरेक्टर कौन है, थे नीलेश कुमार, नीलेश कुलकर्णी फाउंडर हो गए और डायरेक्टर है IISM का, ठीक है। लोकतंत्र का स्वर क्या, लोकतंत्र के स्वर क्या है, ये भी एक तरह का बुक है, ठीक है। एंड रिपब्लिक इथिक्स आर सिलेक्टेड स्पीचेज ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी, मतलब लोकतंत्र का स्वर और रिपब्लिक इथिक्स कौन सा इंडियन पर्सनैलिटी के द्वारा सिलेक्ट किया गया है, ये जो स्पीच है, कौन है, रामनाथ कोविंद, कौन है, रामनाथ कोविंद। पीजीआई रिसोर्स सेंटर फॉर तंबाकू कंट्रोल चंडीगढ़ अवार्डेड बाई WHO। मतलब कि पीजीआई रिसोर्स सेंटर तंबाकू कंट्रोल के लिए जो चंडीगढ़ है उसे किस किसके द्वारा अवार्ड किया गया है, WHO के द्वारा, मतलब WHO के द्वारा उसे उसे अवार्ड दिया गया है, उसे अवार्डेड किया गया है कि आपने जो जो तंबाकू कंट्रोल वगैरह पे जो काम कर रहे हैं वो काम सराहनीय है, वो काम बहुत ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या WHO के द्वारा अपॉइंट ए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इंडिया टू होस्ट स्पेशल एशियन इंडियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीट, मतलब इस बार जो इंडिया स्पेशल एशियन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मीट जो हो रहा है उसे होस्ट कौन करेगा, इंडिया, क्या एशियन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मीट जो हो रहा है उसे कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। और ये जो मीटिंग है पहली बार इस मीटिंग को इंडिया होस्ट करने जा रहा है, इस मीटिंग को पहली बार इंडिया होस्ट करने जा रहा है, कहाँ से होस्ट करेगा, ठीक है, न्यू दिल्ली से, कहाँ से होस्ट करेगा, तो न्यू दिल्ली से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन करेगा, तो वो क्या वो एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर और एसी मिनिस्टर के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो थीम जो रहने वाला है, इसका थीम क्या रहेगा, बिल्डिंग ब्रिज टू इंडो पैसिफिक, ठीक है, इसका थीम रहेगा बिल्डिंग ब्रिज टू इंडो पैसिफिक, ठीक है। अब बात करते हैं कि एशियन जो नेशन है वो कौन कौन सा है, एशियन नेशन, तो सबसे पहले पहले बात हम बात करते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, एशियन है इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया में, फाउंडेड कब कब किया था, 8 अगस्त 1967 में, कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में, ठीक है। अब बात करते हैं एशियन देश कौन कौन सा है, तो म्यांमार हो गया वियतनाम हो गया, थाईलैंड लियोस, ठीक है, कोलंबिया फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया ब्रुनिया, तो ये सब क्या है, ये एशियन देश है, कौन से देश है, जैसे एशियन देश है, ठीक, एशियन नेशन है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, हाँ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।